कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की कि वो अयोध्या में मुबैना अराजिस काम का अज खुद नोट ले। पार्टी ने मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मसले पर अपनी खामोशी तोड़े। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 40 अफराद बशमूल शहर के मेयर मुकामी बीजेपी रुकन असम्बली और साबिक रुकन असम्बली पर इल्जाम आयद किया कि ये लोग अयोध्या में गैर कानूनी प्लैटिंग का कारोबार कर रहे। न्यूज रिपोर्ट टैग करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने हिंदी में ट्वीट किया कि भगवान राम के नाम पर बीजेपी का स्काम, वज़ीर दाखिला अमित शाह खामोश क्यों है। AICC हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथे ने इल्जाम आयद किया कि अयोध्या में बहुत बड़ा प्रॉपर्टी स्कैम चल रहा। उन्होंने कहा कि हम जून 2021 से ये बात कहते आए हैं, लेकिन अब सब कुछ सामने आ गया है कि अयोध्या में कैसा अराजी स्कैम चल रहा। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी कायदीन क्यों सस्ते दाम पर जमीनें खरीद कर मंदिर ट्रस्ट को ऊंची कीमतों पर फरोख कर रहे। अराजी स्कैम की तहकीकात सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट की सतह पर हो रही। आया जिला साबिक रुकन असम्बली, कलेक्टर रुकन असम्बली और हुकूमत UP के वज़रा के खिलाफ तहकीकात कर सकता है। उन्होंने इस मसले पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की खामोशी पर सवाल उठाया। कांग्रेस तर्जुमान ने पूछा कि अयोध्या जैसे मुकामात पर आपकी पार्टी के लोग अराजिस काम में मुलव्वस है, तो फिर मोदी और अमित शाह खामोश क्यों हैं।